खबर आजमगढ़ जनपद से, जहां केंद्र व राज्य सरकार किसानों की हितैषी बताने का प्रयास कर रही है, वहीं जनपद बिलरियागंज धान क्रय केंद्र पर किसानों का शोषण किया जा रहा है। पीड़ित किसानों ने बिलरियागंज धान क्रय केंद्र प्रभारी पर प्रति क्विंटल 10 किलो कटौती का गंभीर आरोप लगाया है। एक तरफ जहां जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने खाद्य व रसद विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों को उचित समर्थन मूल्य मिले एवं किसी प्रकार की कटौती व घटतौली न किया जाए, लेकिन बिलरियागंज धान क्रय केंद्र प्रभारी पर जो किसानों ने प्रति क्विंटल कटौती का आरोप लगाया है, इससे स्पष्ट होता है कि धान क्रय केंद्र प्रभारी जिलाधिकारी के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पत्रकारों से हुई वार्ता में किसानों ने बताया कि प्रति क्विंटल 5 से 10 किलो धान की कटौती करके हम सब किसानों का शोषण किया जा रहा है। केंद्र प्रभारी की अनुपस्थिति में मौके पर मौजूद विपणन शाखा कर्मचारी ने खुद कहा कि 3 किलो कटौती होती है, जहां एक तरफ किसान हाड़ कपकपाती ठंड में खून पसीना एक करके अपनी फसल उगाते हैं, वहीं खाद्य रसद विभाग के अधिकारी व कर्मचारी लूट में लगे हुए हैं। खाद्य व रसद विभाग के अधिकारी सरकार की योजनाओं को तार तार कर रहे एवं जिलाधिकारी की आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे। बिलरियागंज आजमगढ़ से जितेंद्र मौर्य की रिपोर्ट। बताइए ना कितना कटौती काट रहे हैं? अब 5 किलो 10 किलो 20 किलो जो ना पाओ तो ना झुकले जात हो जाओ ना 3% नहीं नहीं सफाई में कोई कमी हो तो बताइए धान में बढ़ा के क्यों आप बता रहे हैं? अच्छा हर किसानों का 5 किलो? हाँ हाँ हर किसान का कटवा के सजग झोंक देते हो जो ना आंख मुंद के जो ना गई ना क्विंटल पे 10 किलो। हाँ समस्या तो यही आ रही है कि जो मनमाना काटत हम जो ना 5% 10 किलो 5 किलो जो ना। अच्छा हर किसान? हाँ हर किसानों काटत हूँ भाई। अच्छा एक किसान ना पूरे किसान के काट रहे हैं। अच्छा। हाँ किसान त्रस्त है। ग्राम पड़ी परानपुर। हाँ ये कौन सा क्रय केंद्र है? बिलरियागंज का है क्रय केंद्र है। कौन बाबू है यहाँ पे जी? यहाँ पे कौन बाबू इस्माइल है। अशोक मेहता। आप क्या हैं? हम भी स्टाफ में। स्टाफ में क्या है? क्या है? फोर्थ क्लास। फोर्थ क्लास ठीक।